कानपुर के जाजमऊ थाना अंतर्गत वाजिदपुर में दबंग ने युवक पर कुल्हाड़ी से हमला कर किया लहूलुहान। दबंग ने युवक के ऊपर आरोप लगाया कि वह उसकी घर की महिलाओं को गंदी नजर से देखता है, इसलिए उसको इतना मारा कि उसका सिर फट गया और सर से खून बहने लगा। पीड़ित युवक के स्वजनों को घटना की जानकारी हुई तो वह लोग उसको लेकर जाजमऊ थाने आए, जहां घायल को मेडिकल के लिए काशीराम ट्रामा सेंटर भेज दिया गया। पीड़ित ने जाजमऊ थाने में तहरीर दी है, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अब वह न्याय के लिए भटक रहे हैं। क्या नाम है आपका? राजेश्वरी। आपके पुत्र को क्यों मारा गया, क्या है मामला? पुत्र डबल पुलिया का काम करता, छतरी माँ हुआ से वापसी आया, रास्ता के साम नहीं करेगा, जंगल रहा हुआ के साम करेगा, हुआ के वापसी लगता है, हमारे लड़का को कुल्हाड़ी से मारा है, जो लड़का से हमारे कुल्हाड़ी तक नहीं पड़ी वो मारा, फिर आखिर समय का पकड़ के कुल्हाड़ी में मारा है, कुल्हाड़ी से मार के अपना फक है। हमको लोग बाग ने बताया कि तुम्हारे लड़का के खून बह रहा है, कह रहे हैं कि हमारी लड़की को ये नजर से गंदी नजर से देखता है, अगर हमारा लड़का गंदी नजर से देखता तो दोना मोहल्ला कोई ये बताता कि तुम्हारा लड़का ऐसा है, अगर हमारा लड़का चतुर होता तो आज के पोजीशन पर हमारा लड़का ना होता, लड़का हमारा नाटक, इनका लड़का नाटक कटवा, हमारा लड़का इनका मुंगरा आई फेंक देते। अगर अभी आप जाजमऊ थाने आए हैं तो यहाँ अभी पुलिस ने आपने किया क्या कार्रवाई? थाने पर आए हैं, रिपोर्ट लिखाया, रिपोर्ट लिखा के हम काशी काम में डस्टरी कराया अपना है, सूचना दिया है, लेकिन पुलिस ने अभी हमारा कुछ नहीं किया है। आपने सूचना दी थी, पुलिस मौके पहुंची थी? अभी नहीं पहुंची है।